सिद्धार्थ जी जो दो नए हैं जिन्होंने आज फर्स्ट डे ज्वाइन किया है एज ए डेमो। तो सबसे पहले बता दूं आपको, वीवीए प्रोग्रामिंग के लिए आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। डेवलपर टैब नहीं है तो फाइल में जाइए और ऑप्शन पे जाइए और यहाँ कस्टमाइज रिबन में आप डेवलपर टैब को लेके आ सकते हैं। अगर आपके पास ऑफिस 10-19 है तो, अगर आपके पास ऑफिस 2007 है तो यहाँ जर्नल में ही आपको मिल जाएगा। ये डेवलपर टैब पे क्लिक कर दीजिए। अगर 2007 है तो आपको यहाँ जर्नल में ही यहाँ आपको दिख जाएगा, यहीं से लेके आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरी चीज, आप माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल कर लीजिए ताकि जब भी कोई माइक्रो रन हो तो ऑटोमेटिकली रन हो जाए, बार बार आपको माइक्रो अनेबल करने के लिए ना बोले। अब हम कोडिंग करेंगे यहाँ विजुअल बेसिक से। अगर आपके पास डेवलपर टैब नहीं भी है फिर भी आप Alt+F11 कर देंगे तो विजुअल बेसिक का आपका खुल जाएगा VBE, मतलब कि विजुअल बेसिक एडिटर। अब इसके लिए समझ जाइए कि आपको कोई इंस्टॉलेशन करने की जरूरत सिस्टम में नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में ये एडिटर होता है। अच्छा, मैं कुछ फाइल्स बंद कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो जितने भी फाइल्स यहाँ पे वीवी एडिटर आपका, और जितने भी फाइल्स हम ओपन करेंगे सारे ओपन रहेंगे, उस सारे फाइल्स का लिस्ट यहाँ दिखेगा। बस अपना फाइल जो दे दीजिए, जिसमें मान लीजिए मुझे कोडिंग करना है बुक 4 पे, तो मैं यहाँ अपने एडिटर में बुक 4 पे यहाँ आ जाऊँगा, यहाँ बुक 4 मेरा, और इस पर हम कोडिंग करेंगे। अब इसमें कुछ कोडिंग पहले से हैं तो कोई बात नहीं है। तो अब बात करते हैं कि हम जब भी कोडिंग करते हैं तो मॉड्यूल्स, इंसर्ट मॉड्यूल्स में हम करते हैं। अब क्यों करते हैं, अब इसका जवाब देता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा फाइल्स वगैरह क्लोज करता हूँ क्योंकि बहुत सारे मॉड्यूल्स खुले हुए हैं, तो हो सकता है कि आप लोग कन्फ्यूज हो, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वीवीए का नॉलेज बिल्कुल नहीं है। तो मैं वापस से एक्सेल रीओपन करता हूँ ताकि मेरा वीवी एडिटर पूरी तरह से क्लीन हो जाए प्रीवियस फाइलों के। मैं ऑफिस 365 है, बस ओपनिंग में टाइम लेता है। यहाँ डेवलपर पे आते हैं विजुअल बेसिक, और यहाँ पे देखिए एक ही फाइल है। अब बोलेंगे ये सब क्या है, ये मेरे एडिंस हैं जो कि मैंने बनाया हुआ है। तो हम सीट पे डबल क्लिक करके भी कोड कर सकते हैं, सीट 2 पे भी कोड कर सकते हैं, सीट 3 पे भी डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका कोड एरिया आ जाता है। जो भी हम कोड लिखना है हम यहीं पर कोड लिखेंगे। लेकिन जैसे कि वीर सिंह जी बोला कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा मॉड्यूल्स में कोड लिखें, इसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न कि मान लीजिए कि आपने इसमें कोई कोड कर दिया सीट 1 में और यूजर ने सीट 1 को डिलीट कर दिया या आपने ही डिलीट कर दिया जरूरत, तो आपके सारे कोड्स रिमूव हो जाएंगे। क्योंकि कोड सेव कहाँ पे था, कोड सेव था इस सीट 1 की प्रॉपर्टी में। पहली प्रॉब्लम समझ में आई वीर सिंह जी आपको? यस सर। कि अगर आपने मान लीजिए, मैं छोटा सा मैसेज बॉक्स का माइक्रो देता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट और MMM कर दिया, ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे MSG बॉक्स यहाँ पे हाई लिख दिया, ये अभी प्ले होगा तो मुझे दिखेगा यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने सीट 2 को डिलीट कर दिया तो मेरे सारे कट जाएंगे, और सीट्स डिलीट होते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं, इसको हर फाइलों में इसको रोका नहीं जा सकता है। पहली प्रॉब्लम। लेकिन मॉड्यूल्स क्या होता है, फाइल की प्रॉपर्टीज में सेव होता है। जब तक फाइल है तब तक आपकी कोड डिलीट नहीं होगी। तो पहला रीजन है कि हम इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स और उसमें अपने प्रोग्राम को, अपने कोड को लिखते हैं। दूसरा रीजन होता है कि हम जब इसमें कोड लिखेंगे तो हम सीट 4 से डेटा ले सकते हैं, सीट 5 से डेटा ले सकते हैं, किसी और फाइल से डेटा ले सकते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत होगी आपको कि किसी और फाइल के साथ रेफरेंस नहीं ले पाएगा अगर आपने सीट 3 में माइक्रो लिखा है, टाइप किया है, कोड किया है। तो
तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे होता है इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग। जैसे कि आप सेल पे डबल क्लिक करने पे, सेल को सिलेक्ट करने पे आपका जो इफेक्ट होगा उसके लिए। अब चलिए एक एग्जांपल बता देते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आप लोगों को। तो सिंपल सा हम यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं, कुछ ज़्यादा इस पर तामझाम मैं नहीं करूँगा। डेटा बना लिया मैंने, कॉपी और यहां पे इसको पेस्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया, यहां पे इसको उठा के ले आता हूं। याद होगा मैंने आपको डायनेमिक चार्ट की जो एक्सेल क्लासेस चल रही थी उसमें डायनेमिक चार्ट में ऑप्शन का फॉर्मूला समझाया था, बेसिक याद होगा। अब आप लोग नाराज मत होइएगा कि मैं सिर्फ वीर सिंह को ही पूछ रहा हूँ, आप लोगों को नहीं पूछ रहा हूँ। क्या है कि मैं नाम कुछ ही याद कर पाता हूँ, मेरी बचपन से दिक्कत है। ये हमारा डेटा हो गया, हमने इसके ऊपर चार्ट बना दिया, हमने यहाँ पे इंसर्ट किया और एक चार्ट बना। अब मेरा यहाँ पे क्या काम है, मेरा ये काम ये है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने पूजा पे सिलेक्ट किया तो मेरा चार्ट पूजा का होना चाहिए, नीरज पे सिलेक्ट किया तो नीरज का होना चाहिए, कविता पे सिलेक्ट किया तो कविता का चार्ट होना चाहिए, सिलेक्शन के हिसाब से, राइट। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं 2 कर दूंगा तो यहाँ पे दूसरा, 3 कर दूंगा तीसरा हो जाएगा, 1 कर दूंगा तो आपका पहला पूजा आ जाएगा। तो हमने जस्ट क्या किया, इसमें इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग लगाया, व्यू कोड पे गया, चलो व्यू कोड, यहाँ पे हमने दिया वर्कशीट, यहाँ दिया सिलेक्शन और सिंपल सा हमने बोला यहाँ पे यहाँ बोला रेंज A11 डॉट वैल्यू इक्वल टू एक्टिव सेल, मतलब सिलेक्टेड सेल डॉट रो माइनस 1, क्योंकि यहां पे 2 आ जाएगा ना, फिर आपको दिख रहा 1 2, पता चला सर, प्रीतम जी, रवि जी, बाकी लोग और भी हैं। तो क्या होगा, जैसे मैं इसका जो रो नंबर में से 1 माइनस करके इस पे डाल दे रहा है, सिर्फ इतना सा काम कर रहा है। तो इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग का काम इसी चीजों में हम करते हैं, ताकि किसी ऑब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर एक्शन पे हमारा कोड रन हो जाए। अब एक कोड परफेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें कंडीशन लगाना पड़ेगा, मान लो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो इसका भी रोल नंबर डाल देगा, तो इसमें कंडीशन लगाना पड़ेगा भाई 2 से 7 तक का होना चाहिए, कॉलम उतना ही होना चाहिए। तो ये चीज हम आगे क्लास में सीखेंगे, अभी जस्ट आपको मैंने एग्जाम्पल दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि सीट के ऊपर, वर्कबुक के ऊपर हम किस तरह की कोडिंग करते हैं। तो ये आपका सेकेंड चैप्टर है, अभी हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं माइक्रो प्रोग्रामिंग, और माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात कर रहे हैं कोड्स की। तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट नाम में डॉट डैश कॉमा प्लस माइनस ये चीजें ना डाले, अल्फा न्यूमेरिक ना करें, 3 डिजिट का, जैसे राज 1 रवि 1, रवि तो 4 डिजिट हो गया ना, राज 1, इस तरह का 3 डिजिट, 3 अल्फाबेट और वह 1 नंबर ना डाले क्योंकि वो रेफरेंस होता है आपको। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको एकता जी? यस सर। सिद्धार्थ जी आपको आ रही है सर? अच्छा सिद्धार्थ जी का माइक काम नहीं कर रहा तो मैं सुन नहीं पा रहा। हम यहाँ पे बात करते हैं कोर्स की, तो हम कल कुछ कोड अधूरा छोड़ दिए थे उसी से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देता हूँ कि किसी फाइल, अगर नई फाइल क्रिएट करनी हो तो कैसे करेंगे, कंट्रोल एन करते हैं ना सब, क्योंकि हम स्टार्टिंग अपना नया फाइल से ही करते हैं। तो अगर मैं न्यू करके ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करता हूँ, एक फाइल कैसे क्रिएट की जाएगी, तो उसके लिए हम कोड लिखेंगे सिंपल सा वर्कबुक्स डॉट एड। उससे पहले मैं आपको बता दूं
कि VBA में मेनली चार ऑब्जेक्ट होते हैं, पहला आपका एप्लीकेशन, दूसरा आपका वर्क बुक्स, तीसरा है आपका सीट्स और चौथा है आपका रेंज। अब ये क्या है, जैसे कि आप इंग्लिश वर्ड बोलते हैं, कोई सेंटेंस आप बोलते हैं, तो उस सेंटेंस का सबसे पहला वर्ड मोस्टली आपका नाउन या प्रोनाउन होता है। उसी तरह से जब हम कोड लिखते हैं तो मोस्टली कोड में ये आपका इन चारों में से कोई एक वर्ड होगा। जैसे कि अभी थोड़ा देर देखा हमने रेंज लिया था, अभी हमने वर्क को ऐड करने के लिए वर्कबुक लिया था, तो ये ऑब्जेक्ट कहलाते हैं कि आपका जिस ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि चार ही पार्ट, एक्सेल को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है कि एप्लीकेशन मतलब कि पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर में किसी तरह के चेंजिंग हुआ, वर्कबुक कोई एक फाइल में कुछ चेंजिंग करना है, सीट किसी फाइल के किसी सीट में चेंज करना है, रेंज किसी सीट के रेंज के अंदर ABCD रेंज जो है उस पर कुछ हम A1 B1 C1 पे कुछ करना चाहते हैं, तो हम रेंज को कॉल करेंगे, सीट को कॉल करेंगे सीट के लिए, वर्कबुक को कॉल करेंगे वर्कबुक के लिए, एप्लीकेशन को कॉल करेंगे एप्लीकेशन के लिए। तो एप्लीकेशन को फिलहाल छोड़ते हैं, हम वर्कबुक से स्टार्ट करते हैं। तो वर्कबुक डॉट ऐड कर दिया तो आपका एक नया फाइल क्रिएट हो गया, मतलब इसने कंट्रोल एन को प्रेस करके एक नई फाइल जनरेट कर ली जिसका नाम है आप देख रहे हैं बुक टू। अब मुझे इस फाइल को जो ओपन हुई है, क्रिएट हुई है, इस फाइल को सेव एज करना है, सेव करना है, तो सेव एज ही होता है, किसी एक नाम देना है, कोई एक लोकेशन देना है, तो उसके लिए क्या कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसी पर्टिकुलर फाइल को सेव करने के लिए होता है वर्क बुक्स। अब इसमें हमें उस बुक का नाम विद एक्सटेंशन डॉट सेव एज किस लोकेशन में करना है, उसके किस फोल्डर में, तो इसमें कौन सा सब फोल्डर है, सब फोल्डर अदरवाइज फाइल का नेम विद एक्सटेंशन, आपका फाइल सेव हो जाएगा। जैसे बुक टू को करना है तो ये बुक टू को कर देगा। अब यहां पे दिक्कत है कि ए मार्क ए डायनेमिक कोड में, आप कोड लिखते समय आप सिचुएशन और डायनेमिक को भी देखें कि डायनेमिक है या नहीं है। क्यों, क्योंकि हर बार हमारा बुक टू ओपन नहीं होगा। अब जैसे मैं बुक टू के बाद नोट करूंगा तो बुक थ्री ऐड होगा, लेकिन इतना है कि जो फाइल ऐड होती है, क्रिएट होती है, वही आपका एक्टिवेट होती है। तो यहाँ पे हम इस कोड को ना लिख के यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट बुक, एक्टिव है ना, सॉरी, एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज, और यहाँ पे आप अपना जो पाथ बाकी दे रहे हो वही देंगे। और ध्यान रखिएगा जब भी आप किसी तरह की प्रोग्रामिंग को लिखेंगे तो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और लिखने के बाद आपका टाइटल कैसे, मतलब कि वर्ड जो है फर्स्ट वर्ड आपका बड़ा हो जा रहा है, इसका मतलब है कैपिटल हो जा रहा है, इसका मतलब है आपका कोड परफेक्टली है। अब एक चीज और भी है कि अगर पहले से सब कुछ पता हो, जैसे कि मुझे पता है कि मुझे फाइल को क्रिएट करना है और सेव कर देना है साथ ही, तो मुझे क्यों ना हम सेव किया हुआ फाइल ही लें, तो इनको इस दोनों लाइन को लिखने के बजाय हम सिर्फ यहां लिख देंगे कि वर्क बुक्स डॉट ऐड डॉट सेव एज, डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये कोड आप अपने सिचुएशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो फाइल को क्रिएट करना और उसको सेव एज करना आ गया, किसी को डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। एकता सिद्धार्थ जी को डाउट नहीं सर। प्रीतम जी को डाउट आपको? सर मुझे डाउट है। बोलिए। नो सर, नो नो। बोलिए एकता जी, क्या डाउट है? सर ये जो सेव एज करके आप लोकेशन दे रहे हैं, तो इसमें नेम क्या लाइक ऑटोमेटिकली वो बुक वन बुक टू लेगा या आपको नेम भी डिफाइन करना पड़ेगा? हमने नेम दिया ना यहाँ पे 1 2 3। ओके नहीं, फोल्डर आपको बनना है, फोल्डर बनने के लिए कोड कहाँ डाला हमने, हमने कोड डाला है फोल्डर बनने के लिए? नहीं डाला है। 2020 जो लिखा है वो फोल्डर होगा, मेरे पास एग्जिस्ट होगा फोल्डर है, नहीं होगा तो करना पड़ेगा वरना एरर देगा।
VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग, आप लोग एक इस पे सब टीवी पे एक चैनल आता था चिड़ियाघर, उसमें एक गधा बना था, उसको सब कुछ बताना होता था, तब वो करता था कि पानी पीना है तो ग्लास में पानी लेके आओ, पानी लाओ मतलब बाल्टी में लेके आ जाता था। सेम आपका वीवी है, आपको इसके लिए कोड लिखना पड़ेगा, वो खुद से कुछ नहीं करेगा, समझे? इसका ध्यान रखिएगा, डिटेल में कोड आपको लिखना है। तो यहां पे आपका जो है वर्कबुक डॉट आर सेव हो गया। अब हम बात करते हैं किसी फाइल को, किसी क्रिएट की फाइल, हम अगर नए फाइल नहीं लेते हैं तो कोई पुराना फाइल ओपन करते हैं क्या? अगर हम कोई नई फाइल नहीं लेते हैं तो पुराना फाइल ओपन करते हैं। तो पुराना फाइल को कैसे ओपन किया जा सकता है, तो उसके लिए यहां पे हम कोड लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट ओपन, और यहां पे कौन सा बुक ओपन करना है उसका कंप्लीट पाथ। अब यहां दो चीज समझने वाली बात है, पहले कि हमने आपको कल भी समझाया था, आज भी मैं समझा रहा हूं कि यहां पे कोड लिखने का तरीका है कि यहां पे ऑब्जेक्ट किस पे इफेक्ट होना है, ऑब्जेक्ट की डिटेल में कि कौन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, फिर क्या करना है और कहां करना है उसका लोकेशन डिटेल, मतलब कि ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका मेंबर, ये आपका ऑब्जेक्ट का डिटेल, ये आपका मेंबर का डिटेल। अगर साधारण भाषा में बोले तो ये आपका लोकेशन हो गया, लोकेशन का एड्रेस हो गया, ये आपका एक्शन हो गया, ये आपका एक्शन का डिटेल हो गया। तो दो पार्ट में वीवीए कोड होता है, पहला होता है लोकेशन, दूसरा होता है एक्शन, मतलब कहां पे क्या करना है, कहां पे किसको क्या करना है और कैसे करना है। सिंपल सा जवाब है। नीरज जी गुड इवनिंग, बड़ी जल्दी ज्वाइन कर लिया आपने। तो यहां पे ऐसा कुछ क्यों नहीं, यहां पे हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट दे दिया, हमने ऑब्जेक्ट का डिटेल तो नहीं डाला। तो याद रखिए कि हम उस ऑब्जेक्ट का डिटेल डालते हैं जो हमारे लाइब्रेरी में हो। लाइब्रेरी में कब होगा, जब वो ओपन होगा। अब यहां पे दूसरी चीज यहां पे ये है कि जैसे ही हम ओपन लिख दिया तो यहां पे एक्सप्रेशन आते हैं। एक्सप्रेशन क्या है, देखिए आप जब वीवीए एक्सेल नॉर्मल एक्सेल की बात करें, आप यहां पे फॉर्मूले लगाते हैं तो आपके साइंटिक्स आते हैं ना, इस टाइप साइंटिक्स क्या पता चलता है कि हमें किस सीक्वेंस में क्या क्या डालना है, राइट? तो यहां भी सेम है। तो यहां जैसे कि हमने वर्कबुक ओपन किया तो पहला आ रहा है फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग, अपडेट लिंक, रीड ओनली, फॉर्मेट, पासवर्ड, रीड लाइन, मतलब कि फाइल ओपन करते समय क्या क्या चीजों की जरूरत हो सकती है इसकी डिटेल्स दी जाती है। अब यहां पे एक क्वेश्चन उठ के आता है कि इसमें और क्या क्या हो सकता है और क्या डालना है क्या नहीं डालना है। हमने सिर्फ फाइल एज ए स्ट्रिंग क्यों डाल दिया, बाकी चीजें क्यों नहीं डाल दी? सेम ऐसे यहां पर सेव एज में भी हमने सिर्फ फाइल का नेम डाल दिया, बाकी चीज तो डाला ही नहीं। तो क्या बस कैसे पता चलेगा क्या डालना है क्या नहीं डालना है? देखिए जब भी आप एक्सेल फॉर्मूले की बात कर लें तो आप जब भी कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो इसमें क्या है, लॉजिकल इफ लगा दिया मैंने, तो इनपुट जो होते हैं दो चीजें होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है रिक्वायर, दूसरा होता है ऑप्शनल। जैसे लॉजिकल टेस्ट आपका रिक्वायर है, नहीं डालूंगा बाहर नहीं निकलने देगा, लेकिन वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स हमारा ऑप्शनल है, इसको डालने की जरूरत नहीं है। आप डालोगे तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, नहीं डालोगे तो डिफॉल्ट आएगा। इस तरह से सेम उसी तरह से यहां भी होता है कि जो इनपुट होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। जैसे कि यहां पे सेव एज की बात करें तो फाइल नेम, फाइल फॉर्मेट, पासवर्ड, ये चीजें थी, इसमें आप देख रहे हैं हर एक ऑप्शन स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ना आपको, हम लोग बचपन से इसको बड़ी ब्रैकेट कहते हैं। तो अगर इस बड़ी ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट में है इसका मतलब है कि ऑप्शनल है, मतलब कि सेव एज करते समय पाथ और नाम ना भी दू फिर भी सेव होगा। अब क्वेश्चन उठ के आता है कहां सेव होगा, किस नाम से सेव होगा? तो आपके एक्सेल की एक डिफॉल्ट लाइब्रेरी होती है। कैसे पता चलेगा डिफॉल्ट लाइब्रेरी कहां है? तो एक्सेल एप्लीकेशन के फाइल पे जाएंगे
और यहां हमारे पास सेव के अंदर ये आपका डिफॉल्ट फाइल लोकेशन है। तो इस डिफॉल्ट लोकेशन में और आपका फाइल जो डिफॉल्ट नेम जनरेट होता है बुक टू बुक थ्री बुक फोर बुक फाइव उसके नाम से सेव हो जाएगा। तो अगर आपको डिफॉल्ट लोकेशन में और जिस नाम से क्रिएट हुआ उसी नाम से सेव कर देना है तो आप क्या करेंगे, इस पाथ को डालने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जब हम वर्कबुक ओपन करते हैं तो इसमें आपको दिखता है जैसे फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग, अब ये बड़ी ब्रैकेट में नहीं है मतलब कि रिक्वायर्ड है, इसको आप नहीं डालोगे तो कोड में एरर देगा, तो आपको डालना ही डालना है। बाकी चीजें एज पर रिक्वायरमेंट, ऐसे आपको लग रहा है कि फाइल में लिंक लगा हुआ है तो आप ट्रू फॉल्स अपडेट करा ट्रू अदरवाइज फॉल्स कर दें, फाइल को रीओपन ओपन करना है तो ट्रू एम फॉल्स कर दें, फॉर्मेट में क्या फॉर्मेट में चाहिए या पासवर्ड है पासवर्ड इंडेक्स पासवर्ड है आप डालेंगे कैसे, जिससे हम फॉर्मूला में डालते हैं उसी तरह से आप यहाँ पे कॉमा करते चले जाएं यहाँ पे आ जाए, नहीं डालना है तो छोड़ दे, जरूरी नहीं डालना, जो जरूरी है जैसे पासवर्ड डाला हुआ है तो पासवर्ड डाल दिया रीडायरेक्ट पासवर्ड डाल दिया। ओके, इसके अलग अलग क्योंकि सिंटैक्स के बारे में हम आगे हम पढ़ाएंगे, फिलहाल हमने डाल दिया कैसे डालेंगे सिंटैक्स। जैसे मुझे सेव एज करके इसमें पासवर्ड डालना है तो हमने यहाँ पे कॉमा करके फॉर्मेट को स्किप किया और पासवर्ड डाल दिया। अब सेव एज करने के समय फाइल में पासवर्ड सेट कर देगा। सुजीत सर, एक क्वेरी है इस पे कि इसमें जो सिंटैक्स आपके हम देख रहे हैं वो कौन सा की प्रेस कर रहे हो सिंटैक्स देखने के लिए? कुछ नहीं, आप स्पेस मारते हो सिंटैक्स आ जाता है। ओके ठीक है। ओके सर, और किसी को डाउट है? एकता जी को डाउट इसमें? अब हम फाइल ये है क्या, तो फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा, तो फाइल क्लोज करने के लिए यहां डालेंगे वर्क बुक्स और यहां पे हम ब्रैकेट में डालेंगे अपना फाइल बुक वन डॉट एक्सएमएल जो भी है आपका एक्सटेंशन डॉट क्लोज। जब भी कोई फाइल को क्लोज करते हैं तो एक चीज होता है वो पूछता है कि डू वांट टू सेव, आपको डॉन सेव पे क्लिक करना है तो यहां पे फॉल्स कर दीजिए, ये आपको करना पड़ेगा वरना आपको बार बार ये एरर देगा, और ट्रू करना है तो ट्रू कर। दूसरी चीज है कि मुझे वो फाइल का नेम पता नहीं, अगर वो फाइल एक्टिवेट है तो आप यहां पे एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज कर दें, राइट। ये ध्यान रखिएगा कि आप इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि क्लोज के विल जाइए, नहीं कुछ भी करना है क्लोज करना है ओपन करना सेव करना है कुछ भी करना है आपको, तो दो कोई पर्टिकुलर फाइल पे तो दो चीज़ें हैं, आप वर्कबुक कीजिए अगर फाइल नेम पता है विद एक्सटेंशन, तो अगर नहीं पता है तो आप एक्टिव वर्कबुक ले लें अगर आपकी फाइल एक्टिवेट है, तो दोनों एक ही है बस सिचुएशन के हिसाब से कोड को चेंज किया गया है, तो आप अपने हिसाब से एक्टिव वर्कबुक लें या फिर ई ले सकते हैं कोई पर्टिकुलर वर्कबुक। तो हमने यहाँ पे वर्कबुक को क्लोज कर दिया। अब दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास दो फाइलें खुली हैं जैसे बुक वन और बुक टू है, मैं बुक टू पे जाना चाहता हूँ या बुक टू से बुक वन पे आना चाहता हूँ, तो उसके लिए कोड क्या होगा, तो उसके लिए कोड यहाँ होगा कि वर्क बुक्स यहाँ पे अपना दे दीजिए बुक वन डॉट एक्टिवेट। अब बुक वन डॉट एक्टिवेट कर दिया तो क्या इससे हो जाएगा, हमने इसमें तो पाथ डाला ही नहीं, तो चलिए एक बार इसको अलग माइक्रो में रन, क्योंकि इसमें तो रन नहीं कर सकता, मैं तो बस कोड समझा रहा हूँ आपको, मैं एक अलग माइक्रो में हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या बुक वन बिना एक्सटेंशन का वर्क करता है या नहीं करता है। मैं इसको यहाँ डेवलपर टाइप में गया माइक्रो में गया और आर स्लैश को रन कर देता, वर्क कर गया, तो एक्सटेंशन देने की जरूरत आपको नहीं है। बट अगर आपके पास बुक वन डॉट एक्सएलएस और बुक वन डॉट एक्सएलएस एक्स ओपन हो तो यह कंफ्यूज हो सकता है। तो यहाँ पे एक तरीका और भी है एक्टिवेट करने का, वो है विंडो का, कि विंडो
और यहाँ पे आप सीक्वेंस नंबर से भी चल सकते हैं। दूसरा है कि आप यहाँ वर्कबुक में भी सीक्वेंस नंबर यूज कर सकते हैं। सीक्वेंस नंबर कौन सा है, तो ये आपका जो व्यू के अंदर, जब आप व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे स्विच विंडोज है, ये इस सीक्वेंस नंबर 1 और 2 की बात हो रही है। और बहुत केसेस में देखा गया है कि हम इस वर्कबुक पे भी इसकी भी सीक्वेंस दे सकते हैं, क्योंकि जब मैं इसको हम ओपन करते हैं तो ये इंडेक्स बोलता है, तो मैं यहाँ पे फाइल नेम हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ 2। तो 2 में कौन सा एक्टिवेट होता है, एक बार देखता हूँ। मैक्रोस 2 है ही, अगर मैं यहाँ पे 1 कर दिया तो आगे, और वापस मैं इसको एक बार और करता हूं, तो ओपन होने के बाद जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस से भी आप बुक को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो वर्कबुक को एक्टिवेट करना आ गया आप लोगों को, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? विक्रम जी को डाउट, फिर प्रीतम जी, नहीं सर, जितेंद्र जी, आपको कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। सिद्धार्थ जी, आपकी हेडफोन वर्क नहीं कर रहा, वरना आपकी आप ही मुझसे क्वेश्चन कर सकते थे। ऐसे चैटिंग फैसिलिटी है तो चैट पे भी आप बोल सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, हम वर्कबुक को एक्टिवेट करिए। तो हमने फाइल के साथ क्या क्या करते हैं, हम नई फाइल को क्रिएट करते हैं, उसको सेव करते हैं, हम सेव एज करते हैं। ऐसे सेव का ऑप्शन नहीं, अगर सेव करना चाहते जस्ट कंट्रोल एस करना चाहते हैं तो एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव कर दीजिए तो सेव हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे ओपन करते हैं, हम क्लोज करते हैं, उसके बाद हम एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाते हैं। अब बात आती है फाइल में पासवर्ड डालना। तो पासवर्ड डालने के लिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे एक चीज़ और सीखने को मिलेगी आपको। जैसे हम यहाँ पे दिया वर्कबुक्स डॉट एक्टिव वर्कबुक कर देते हैं डॉट पा, यहाँ पे प्रोटेक्ट में हमने जो पासवर्ड डाल दिया, ये प्रोटेक्ट कौन सा हुआ, जो आपके रिव्यू के अंदर ये जो आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है ये प्रोटेक्ट करता है, जिससे आपका सीट वगैरह प्रोटेक्ट हो जाते हैं, कोई पर्सन सीट को डिलीट इंसर्ट ना कर सके उसके लिए यहाँ पर। लेकिन आप चाहते हैं फाइल की ओपनिंग पासवर्ड डालें, तो उसके लिए आप इस मेथड सेव एज वाला मेथड अपना सकते हैं, बट मैं सेव एज नहीं करना चाहता हूं। तो यहां हम एक्टिव वर्कबुक को लेंगे और डॉट पासवर्ड, और पासवर्ड यहां डाल देंगे इक्वल टू। अब यहां पे दो चीजें सीखने वाली है, पहले कि इससे ऊपर हमने एक तो आप सीख गए कि भाई ओपनिंग पासवर्ड कैसे डालेंगे, ये क्या करेगा कि आपकी फाइल के इन्फो में होता है एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, इसमें जाके पासवर्ड सेट कर देगा जो पासवर्ड आप डालेंगे ओपनिंग पासवर्ड। अब यहाँ पे क्या है कि एक्टिव वर्क, यहाँ पे एक्टिव वर्क डॉट पासवर्ड और इक्वल टू 12 किया, मतलब कि ये हमारा एक्शन, ये हमारा मेंबर है, और सॉरी ये आपका ऑब्जेक्ट और मेंबर लोकेशन और एक्शन है, और इसका जो डिटेल हमने इक्वल किया हुआ है 12, क्योंकि इससे पहले किसी भी कोड में हम इक्वल नहीं किया, जस्ट स्पेस दिया। तो जो ये आपका मेंबर होता है दो तरह का होता है, मेथड एंड प्रॉपर्टीज। तो मेथड में हमेशा स्पेस लगता है जो कि हमने दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज में हमेशा इक्वल लगता है। अब ये कैसे पता चलेगा, इसके दो तरीके हैं। पहला, जैसे आप स्पेस मारेंगे यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसका मतलब है कि ये मेथड है, इसमें स्पेस चलेगा। बट यहाँ पे देखिए स्पेस मारने से कुछ नहीं आ रहा है, मतलब कि प्रॉपर्टी है, इसमें इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि कई केसेस में वर्क नहीं करता है। तो दूसरा यहाँ पे है, जैसे आप डॉट लगाते हैं, डॉट लगाया और प्रोटेक्ट किया, तो देखिए पासवर्ड में जो ये हैंड का निशान लगा है प्रॉपर्टी का, यहाँ पे देखिए इस निशान प्रॉपर्टीज का, प्रॉपर्टीज है, और जिसमें इस तरह का रेक्टेंगल बॉक्स है ग्रीन कलर का, ये क्या है आपका मेथड। तो प्रॉपर्टीज और मेथड दो चीजें हैं। अब इसमें
प्रॉपर्टीज भी दो तरह के होते हैं, तो प्रॉपर्टीज हमेशा इक्वल लगता है, समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को डाउट प्रॉपर्टीज और मेथड में कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी में दो तरह से, एक जो इन्फॉर्मेशन लेती है, दूसरा इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे कि आप कोई फाइल को ओपन कर रहे हैं, ओके, देखिए सिंपल सी बात बताया कि प्रॉपर्टी जो होता है वो एक फाइल की ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को हैंडल करता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे पता करना है कि एक्सेल का जो एक्टिव फाइल है उसका नाम क्या है, मुझे नाम नहीं पता, तो उसके लिए आप यहाँ पर डालेंगे इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक डॉट नेम। तो प्रॉपर्टीज क्या है कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सेट करती है या फिर रिट्रीव करती है। जैसे कि पासवर्ड को इसने सेट किया और नेम को रिट्रीव किया, ये कोई माउस एक्शन नहीं होता है, प्रॉपर्टीज पे सेट करना होता है। पासवर्ड प्रॉपर्टीज का पार्ट है। जैसे मान लीजिए मुझे इसका पास चाहिए, तो यहां पे हम लिखते हैं एक्टिव वर्क बुक डॉट पास। अब आप सोच रहे होंगे कि हमेशा मैं n इक्वल टू क्यों कर रहा हूं, तो प्रॉपर्टीज में हमेशा इक्वल लगता है। तो जब दो तरह के होते हैं, जो एक इंफॉर्मेशन कैच करता है, तो इंफॉर्मेशन सेट करता है, जैसे पासवर्ड सेट कर दिया, दूसरा इंफॉर्मेशन देता है। तो इन्फॉर्मेशन लेने वाला तो कोई होना चाहिए, तो ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड ए बी सी डी लेते हैं, ऐसे हमने यहाँ पे एन और पी ले लिया। अब मुझे कहीं पे फाइल का नाम चाहिए, जैसे मुझे वर्कबुक को एक्टिवेट करना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा वर्क बुक्स और यहाँ पे दे दूंगा कि एन डॉट एक्टिवेट। मुझे फाइल को सेव एज करना है, तो हम पाथ के जगह पे, इसके जगह पे हम सिंपल पी दे देंगे पाथ। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को डाउट इसमें? एकता जी को डाउट? सर वीर सिंह जी कोई डाउट आपको? नहीं सर अभी तो नहीं है। देखिए जो n और p मतलब ये इस पे मान लीजिए जो इस पे n को स्टोर हो गया, तो ये जो फाइल का नाम इक्वल टू नेम हो गया, मुझे नेम जहां चाहिए वहां आपने n ले लिया। अब इसको कहीं भी एक्सक्यूट कर सकते हैं, आगे क्लासेस में इसको समझाऊंगा, जब आपको मैं वेरिएबल समझाऊंगा वहां डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल समझिए कि एक लोकेशन पॉइंट चाहिए जहां पे ये अपना इंफॉर्मेशन को दे सके, कोई रिसीवर चाहिए। तो एन और पी हमने ऐसे ही डिफाइन कर दिया, कुछ भी कर सकते आप इस जगह पे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड एनीथिंग कुछ कर सकते हैं, और जहां मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी वहां ले लेगा। तो ये तरह से एक ये हो जाता है, होल्डर हो जाता है इंफॉर्मेशन होल्ड करने वाला, कि हमने एक फाइल से इंफॉर्मेशन लिया, इस पर होल्ड करा दिया और एन पे यहां पे हमने दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, तो हम फाइल में इतना ही करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हमने डॉट लगाया और इसमें बहुत सारी चीज आई ना सर, अब इसके बारे में कैसे पता चलेगा? हालांकि इसमें सारी चीज अभी आप पढ़ने के लिए एलिजिबल नहीं है, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे आपको अगर इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में पढ़ना है तो कैसे पढ़ें? तो इसके लिए कोई बुक वगैरह फिलहाल आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ एक्सेल के ऊपर ये दिख रहा होगा क्वेश्चन मार्क का, इसको बोलते हैं एक्सेल हेल्प, VVL, सॉरी, इस पर क्लिक करते ही आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर या जो भी आपका डिफॉल्ट वेब ब्राउजर होगा वो ओपन हो जाएगा और हमारी माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प साइट आपका ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ओपन हो गया, ध्यान से देखिए क्योंकि इसको पढ़ना है आप लोगों को। इसमें आपको ओपन हो गया, तो मुझे चाहिए एक्सेल वीवीए रेफरेंस। क्या चाहिए? एक्सेल वीवीए रेफरेंस। मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब इसमें तीन चीजें हैं, कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट मॉडल रेफरेंस एंड ग्राफ विजुअल रेफरेंस। और कंसेप्ट मतलब कि दो तीन एग्जांपल आपको देगा कि वीवीए कंसेप्ट समझाएगा, लेकिन मुझे तो ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब कि मुझे वर्कबुक के ऊपर जो होता है वो सब चीज़ चाहिए।
तो ये आपके ऑब्जेक्ट आ गए, ये यहाँ आपके सारे ऑब्जेक्ट की डिटेल्स है, ऑब्जेक्ट एंड सब ऑब्जेक्ट की डिटेल्स है। तो मैंने आपको चार समझाया था कि ये बाकी सब क्या है, उसके मेंबर्स है, लेकिन वो भी एक तरह के ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ आपका आ गया वर्क बुक, बुक्स ऑब्जेक्ट, एंड एक दो होगा वर्क बुक ऑब्जेक्ट। बुक्स ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि कोई पर्टिकुलर बुक का, यहाँ पे वर्क बुक ऑब्जेक्ट में क्या होगा, कोई पर्टिकुलर फाइल का डिटेल नहीं होगा, सिर्फ इसमें वर्क बुक होगा, न्यू फाइल से रिलेटेड होगा। और वर्क बुक्स में आपका वर्कबुक में आपको यहाँ देखिए आपके ये आ गया इवेंट्स, इवेंट को फिलहाल छोड़ दीजिएगा, ये आपका मेथड हो गया और ये आपका प्रॉपर्टीज हो गया जो मैंने आपको बताया। अभी क्या है कि आपके पास अगर ऑफिस 2007 है तो वहां पे बहुत अच्छी तरह से मतलब कि सिक्वेंसली है, वन बाय वन नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब इस पे जिसके बारे में चाहिए आपको, जैसे मान लीजिए कि मुझे मुझे पता करना है, मेथड को ही ले लेते हैं हम, मेथड में सेंड मेल के बारे में जब पता करना है क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे सेंड मेल का सिंटैक्स बता देगा कि इसमें चाहिए रेफरेंस सब्जेक्ट एंड यहाँ पे रिटर्न रिसिपिएंट चाहिए, और इसमें ये आपका रिक्वायर है, ये आपका ऑप्शनल है, और क्या है इसके बारे में डेफिनेशन दिया हुआ है, और नीचे आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, समझे। तो आपको अगर कल टाइम मिले तो इसको पढ़ लीजिएगा। कैसे लाना है मैंने बता दिया आपको, कोई बात नहीं, विंडो से मतलब नहीं है आपको। देखिए मैं लिंक तो शेयर कर दूंगा, लेकिन क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट एक्सेल के वीवीए पे जाना है और इस पे क्लिक कर देना, एक क्वेश्चन मार्क एक खुल जाएगा, इसमें आपको वीवीए ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट रेफरेंस में आपको ऑब्जेक्ट पे जाना है, ऑब्जेक्ट आपका वर्कबुक है। फिर भी मैं ये जो है आप लोगों को व्हाट्सअप कर देता हूँ, ठीक है, इसको कीजिए। कल हम इससे रिलेटेड, अभी जो मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया है, कल हम आपको इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट कराएंगे।